नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि कहते हैं कि झारखंड का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें, और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में जब कभी भी आप आते हैं तो किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, अंदर इंटीरियर कैसा है, टिकट कहाँ पे चेक इन होता है, और साथ साथ में कैसे आप PNR डाल के टिकट बोर्डिंग पास ले सकते हैं, फ्लाइट में बैठ सकते हैं, पहली बार यात्रा कैसे कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी और पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देने वाले। अभी आप देख सकते हैं ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में है। कहते हैं कि झारखंड में दो ही एयरपोर्ट है जो फेमस है और दो ही एयरपोर्ट है जो चालू है। एक तो आपका रांची में मौजूद है, जो कि झारखंड की राजधानी पड़ता है, जहाँ पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये है, और दूसरा जो है वो देवघर एयरपोर्ट है। तो अभी जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में जो है यहाँ पे आपको सारी फ्लाइटें मिल जाती हैं कनेक्टिविटी के साथ में। अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं या इंडिया के कोई भी हिस्सों में जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, उसका भी फ्लाइट आपको लेओवर में यहाँ से मिल जाता है। फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं, ये एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे, और जब कभी भी आप आते हैं मेट्रो के माध्यम से या फिर आपको कैब के माध्यम से, तो वो आपको यहीं पर ड्रॉप करेगी, और देन ड्रॉप करने के बाद तत्पश्चात फिर आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं, चूंकि जितने भी यहाँ पे ओला उबर का सर्विस मिलता है, जो कि सामने की लोकेशन में आप देख सकते हैं, ये ओला उबर का सर्विस है जहाँ पे आपको पिकअप पॉइंट के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप जो है ओला उबर लेके और फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बेसिकली बनाया गया, चूंकि बिरसा मुंडा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे, क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिसके नाम से ये पूरा एयरपोर्ट का नाम रखा गया। फिलहाल अंदर चलते हैं, बारिश भी हो रही है, और इंटीरियर आपको दिखाते हैं और कैसे आप इन करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। ये बाहरी हिस्सा है, जब कभी भी आप आते हैं मुंडा एयरपोर्ट तो देख सकते हैं झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट और ब्यूटीफुल एयरपोर्टों में से एक माना जाता है, जहाँ पर आप ट्रैवल करेंगे। फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दो गेटें मिल जाएंगी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का अलग काउंटर मिल जाएगा, और ये सामने जो है चेक इन होता है, जहाँ से आप चेक करके और फिर अंदर जा सकते हैं। तो अंदर अभी हम चलते हैं और ना अंदर में आपको दिखाते हैं। डीजी यात्रा के लिए पंजीकृत है, वो सामने वाले लोकेशन गेट में घुसेंगे, और नॉर्मल है तो यहाँ पे आप घुसेंगे। ये एंट्री पॉइंट है जहाँ से आप इन करेंगे, जब कभी भी आप आते हैं यहाँ पे आपका सबसे पहले चेक होता है। अभी हम भी अपना टिकट दिखाएंगे और फिर अंदर जाएंगे, और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। ID प्रूफ और आपके साथ टिकट होना चाहिए। प्ले भी लगा हुआ है, कौन सी फ्लाइट कब आ रही है और कब जा रही है वो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। चलते हैं, चेक इन होके अपना जो सामने जो है आपको टिकट और अपना ID प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे अलग अलग जो है बना हुआ है केबिन, जहाँ पे जो भी फ्लाइटें हैं उस फ्लाइट में आपको लाइन में रख के बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। तो फिलहाल जो हमारा फ्लाइट है वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए जो दिल्ली जाएगी, जो कोचिन जाएगी, जो बेंगलोर जाएगी, उसके लिए यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे लगते हैं, और इधर सिक्योरिटी चेकअप भी है, आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, और साथ साथ में अगर आप बोर्डिंग पास नहीं वाली है उसको भी आप यहाँ पे जमा करेंगे तो टैग वगैरह लग के और यहाँ से आपका हो जाएगा। सामने की लोकेशन में उधर भी देख सकते हैं बैग टैग बैग ड्रॉप लिखा हुआ है, तो उधर आपको अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, इससे आपको समझना पड़ेगा अगर पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे आके, और फिर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी जगह पे क्या है। फिलहाल ये है रांची का एयरपोर्ट, अंदर अगर इंटीरियर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जो कि पूरी तरीके से लाउंज बार ऊपर है, और नीचे फ्लोर में जैसे ही आप इन करेंगे वहाँ से तो सामने आएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों अब यहाँ से हम बोर्डिंग पास भी ले चुके हैं, ये जितने भी काउंटर बने हुए हैं ये आपको बोर्डिंग पास देगा कुछ इस तरीके से जैसे अभी हमने लिया। तो ये बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आप इस वाले लाइन में आगे की ओर जाएंगे। ऊपर भी आपको लाउंज की सुविधा मिल जाती है रांची एयरपोर्ट में, और इस साइड पर भी आपको लाउंज की सुविधा मिल जाती है। ये एंट्री पॉइंट है। फिलहाल अंदर चलते और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा जो है बैग चेकिंग होगा पूरी तरीके से, और फिर हम अंदर आप जा सकते हैं। पूरी तरीके से आपका चेक होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है आपको ला के बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे बेल्ट वगैरह सब कुछ, और यहाँ से आपको प्रवेश करना पड़ेगा अंदर, तब जाके आप अंदर जा सकते हो। ये हार्ड सिक्योरिटी चेक इन होता है, ये आपको एक लाइन गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों जब कभी भी आप आते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सबसे पहले आपका जो है बोर्डिंग पास के लिए हमने आपको दिखाया कि कैसे आपको बोर्डिंग पास लेना है। सेकेंड स्टेप आता है कि आपका सिक्योरिटी चेक इन, तो सिक्योरिटी चेक इन जो है वो आप कर लीजिएगा जब कभी भी आप आइएगा। तो सिक्योरिटी चेक इन आप कर लीजिएगा, जैसे आपको मैंने दिखाया कि सामने के लोकेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी आपको इन करने के लिए नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आप वहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ रहेगा, उस बॉक्स में अपना जो भी सामान है उसको आप डाल दीजिएगा बॉक्स में, और फिर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारी चीज़ें, और बेल्ट भी आपको खोलना पड़ेगा, तो बेल्ट भी डाल दीजिएगा। उसके बाद अंदर घुसिएगा, अंदर आपका पूरा चेक होगा, फिर आप सामान ले लीजिएगा,
और फिर अंदर आने के बाद आपका जो भी गेट में है उस गेट में आप जा सकते हैं। तो गेट नंबर 2-3 जो है, 1-2-3, 1-2 जो है वो आपको नीचे फ्लोर में मिलेगा, यानी कि ये जो गेट है वो 1-2 है। यानी कि जैसे ही आप वहाँ से आएंगे ये सामने वाली लोकेशन से, वहाँ से आपको इस साइड पे आना, और इस साइड पे आके ये 1 और 2 नंबर गेट है जो कि नीचे फ्लोर में होता है, और 3रा 4था जो है ऊपर फ्लोर में मिलेगा, वहाँ पे भी हम आपको ले चलेंगे। फिलहाल 1-2 नंबर गेट में आते हैं। तो इस तरीके से आपको बैठने की सुविधा मिल जाती है एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ आप वेट कर सकते हैं, और जब आपकी फ़्लाइट लगेगी, जब आपकी फ़्लाइट रहेगी, तब जाके आप यहाँ से जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे धूम्रपान, एक स्मोकिंग एरिया भी बनाया गया है जहाँ पे आप जाके धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जूस का दुकान मिल जाता है, सामने आपको फूड कॉर्नर मिल जाता है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर आपको कुछ बच्चों वगैरह के लिए खेलने के लिए सामान मिल जाता है। ये स्मोकिंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप जाके स्मोकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये स्मोकिंग एरिया है, तो इसमें आप जाकर स्मोकिंग भी कर सकते हैं अगर आपको स्मोकिंग करना है। तो ये जो एरिया कहलाता है, ये पूरा स्मोकिंग एरिया कहलाता है, जहाँ पे आप सिगरेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप पी सकते हैं। इसके लिए एक अलग सा रूम बनाया गया है, यहाँ बैठ के आराम से कंफर्ट होकर पी सकते हैं। तो ये हर एक फ्लोर में मिल जाता है। अभी हम बाहर चलते हैं, आपको ये हम आपको दिखाएं गेट नंबर 2। फ्लाइट के मामले में भी इस एयरपोर्ट को पूरी तरीके से स्वच्छ रखा गया है। और सामने देखिए एक इंडिगो की फ़्लाइट लगी हुई है, और कैसे लगती है और कैसे उसमें फ्यूल जो है वो भरा जाता है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये देखो आप, एक दो जो है वो आपको नीचे ही मिलेगा, और अगर आपको 3 मिला है गेट नंबर 3 तो वो ऊपर की ओर जाएंगे। अभी हम ऊपर की ओर जाते हैं, चूँकि हमारा गेट नंबर 3 है, तो ये फर्स्ट फ्लोर में आपको चढ़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और ये सामने के लोकेशन में यहाँ से आपको चेक इन होगा, यानी कि यहाँ से चेक इन करके और फिर आप अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद यहाँ पे आप वेटिंग एरिया है, पूरी तरीके से वेट कीजिए, और जब आपकी फ़्लाइटें आएंगी तब आप फिर बैठिए। तो ये पूरा जो है गेट नंबर 3 कहलाता है। यहाँ पे देखिए आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज भी मिल जाता है सुविधा, जो कि ये आपको गेट नंबर 3 में मिलता है। यानी गेट नंबर 3 आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको रांची एयरपोर्ट में ही मिलता है सुविधा, जो कि ऊपर फ्लोर में मिलेगा, पहला फ्लोर में AIRR लाउंज। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। वाशरूम की सुविधा उस साइड पे, जहाँ पे आप वाशरूम वगैरह जा सकते हैं। और ये बैठने का एरिया पूरी तरीके से भरपूर, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आराम से बैठ के कम्फर्ट होकर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अंदर जो है खाने पीने की सुविधा इस लाउंज में सारी सुविधाएँ दी गई है। क्या प्राइस है, कैसे है, वो भी हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का अंदर है, यानी कि जो रांची एयरपोर्ट पड़ता है वो हम आपको बेसिकली बता दें। तो जब आप इन कीजिएगा तो इन करने के पश्चात आपको दो चीज़ें हैं, एक तो आपका सबसे पहले आपका ID प्रूफ और आपका टिकट चेक होता है। चेक होने के बाद फिर आप अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद फिर जो है जब अगर आप ट्रॉली वगैरह ला रहे हैं तो ट्रॉली को अलग में दे दें, बैग में, लगेज में, तो वो आपका टैग वगैरह लग के वो चला जाता है। और अगर आप साथ में ले जाना चाहते हैं लगेज वाले में, तो ये अपने बैग अपने साथ रखें। वहाँ पे आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, अगर आप बोर्डिंग पास नहीं लिए तो वेब चेक इन जो है वो पहले आप करवा सकते हैं, और नहीं तो फिर वहाँ यहाँ से आके भी आप करवा सकते हैं। टिकट वहाँ दिखाइएगा, टिकट दिखाने के बाद फिर आपको वहाँ पे एक जो है बोर्डिंग पास मिलता है, और बोर्डिंग पास मिलेगा उसके बाद जो भी आपका गेट में होता है, जैसे इस टाइप का बोर्डिंग पास मिलेगा, और ऐसे बोर्डिंग पास को जो भी आपका गेट में है उस गेट में आप जाइएगा, और उस गेट में जाके फिर आपकी फ़्लाइटें वहाँ लगी हुई रहती है। जैसे अभी हमारा गेट नंबर 3 है, तो हम अभी गेट नंबर 3 पर रुके हुए हैं। यहाँ से अभी जो है अंदर जाएंगे, जब फ़्लाइटें आ जाएंगी, चूँकि अभी टाइमिंग है 1 घंटे का, तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लाउंज की भी सुविधा है, जो सामने के लोकेशन में देख सकते हैं। ये लाउंज का जो है वो 900 something, 950 रुपये 2 आवर्स करेगा, जहाँ पे अनलिमिटेड खाना पीना सोना और साथ साथ में मसाज वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो, नहीं तो फिर आके आप यहाँ पे बाहर में जितने भी ये चेयर्स लगे हुए हैं, वेटिंग एरिया, यहाँ पे आप फ्री में बैठ सकते हैं। और देन फिर आप पश्चात जो है एयरपोर्ट में जब आपकी टाइमिंग हो जाएगी बोर्डिंग का, तो उस टाइम आप बोर्डिंग करके और फिर फ्लाइट में उड़ जा सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे 3 गेटें हैं, 1-2-3, नीचे 1-2 है, ऊपर 3 है। तो अभी हम 3 के पास मौजूद हैं, और नीचे 1-2 है। तो अभी जो मेरा गेट है ये है 3, यानी कि गेट नंबर 3, और जोन 2 में है। तो जोन अलग अलग होता है, चूँकि ये पहला जोन है, ये सेकेंड जोन है, ये थर्ड जोन है, ऐसे बैठने वाला, तो ये जोन 2 में है अभी हमारा। तो ये जब टाइमिंग होगी तब यहाँ पे आती है, तो ऐसे ही हम बैठते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन था आपका, जब कभी भी आप आते हैं तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी यात्रा को कर सकते हैं। चूँकि ये जो एयरपोर्ट है वो
आप कह सकते हैं झारखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक आता है, और साथ साथ में कई सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है पूरी तरीके से अगर आप देखें तो, ये जो एरिया है ये जाने के लिए है, उस साइड पे अगर आप उस साइड पे देखें उधर तो आपका अराइवर के लिए, यानी कि जो यहाँ पे आ रहे हैं दूसरे जगह से वो लोग उधर से निकलेंगे, और हम लोग अगर जा रहे हैं तो इस साइड पर आप जा सकते हैं। दोनों मैच यानी कि मिल नहीं सकते, उनका एग्जिट पॉइंट डायरेक्ट बाहर पे होता है, और अंदर आने के लिए आपके पास टिकट होना चाहिए तभी आप अंदर आ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं आ सकते हैं। देखो आप नीचे वाला एरिया जहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे आपका स्कैनिंग होगा, यानी कि जब आप उस जगह से आएंगे, देखिए वो वाला गेट है जो कि मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे। इन करने के बाद यहाँ अगर आप ट्रॉली वगैरह लाते हैं तो इस जगह पे जो सामने दिख रहा है यहाँ पे आपको ट्रॉली जो है चेक इन करवाना पड़ेगा, देन फिर टैग लगा के, और फिर जो भी फ्लाइट है आपका उसका अलग अलग यहाँ पे काउंटर बनाया गया। देखिए अलग अलग काउंटर है, एयर इंडिया, इंडिगो, ये सारे काउंटर हैं यहाँ पे, और जो भी काउंटर में आपका फ्लाइट है उस काउंटर में आप लाइन लग के यहाँ पे बैग ले सकते हैं, और साथ साथ में ट्रॉली को जमा कर सकते हैं। दोस्तों जब ऊपर फ्लोर में आप आएंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ये पूरा जो पे भी ज्वेलरी वगैरह के लिए दुकान है आपको मिलता है। साइड पे देखिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे बेबी के लिए ना छोटे छोटे सामान भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे बहुत ही कम रेटों में। तो ये जब आप रांची एयरपोर्ट आएंगे तब भी आपको ये मिलेगा फिलहाल, और यहाँ पे ज्वेलरी का है, और ये पूरा सेशन बच्चों के लिए है जहाँ पे आप बेबी के लिए ले सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये महिलाओं के लिए आपको यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा मिल जाती है, इस साइड पे देखें तो पानी वगैरह ड्रिंक वगैरह पीने के लिए आपको सुविधा मिल जाता है, और इस साइड पे देखें तो आप नीचे भी जा सकते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे जाना है तो नीचे भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें पूरे एयरपोर्ट को तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, और यहीं पर जो है आपकी फ़्लाइट आके रुकेंगी। तो ऊपर फ्लोर में 6 गेटें हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, 3 से लेकर 6 तक ऊपर में है, 3 उधर है, और फिर 4th है, 5th है, 6th है, तो ये 6 गेटें हैं, और नीचे 1, 2 है। तो ये 6 गेटों में ही जो रांची एयरपोर्ट में जितने भी फ्लाइटें यहाँ से उड़ाने भरती हैं ये 6 गेटों से ही उड़ाने भरती है। तो जब कभी भी आप आएंगे पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे ही आप आइएगा जैसे हमने आपको स्टेप बताया। आप जैसे ही फ़्लाइट आती है फ़्लाइट में बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि फ़्लाइट में बैठने के बाद जैसे ये बोर्डिंग पास है ये आपको देना पड़ेगा एंट्री पॉइंट में, तो फिर आपको फ़्लाइट में बैठने की सुविधा मिलती है, और बैठने के बाद फिर हम अंदर का इंटीरियर दिखाएंगे। फिलहाल हम भी वेट कर रहे हैं, जैसे ही आती फ़्लाइट फिर आपको दिखाते हैं आगे का जर्नी। घर की भी सुविधा है जो कि आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आप वाइन वगैरह पी सकते हैं बिल्कुल, और इन्जॉय कर सकते हैं। देखो आप जो भी अराइवर वाले हैं ना वो उधर से निकलते हैं, यानी कि बीच में पार्टीशन किया हुआ है, यानी कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप उस साइड से निकलिएगा, फिर आपको इन होना है तो इस साइड से आप इन हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बाहर से निकलने के लिए वो वाला रास्ता है जहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, और फिर इन करने के लिए इधर वाला। तो बाहर वाले अंदर में नहीं मिल सकते हैं, अगर आपको बाहर निकलना उधर बाहर निकल जाइएगा, और उधर गाड़ी वगैरह सब कुछ जो है आपका कैब वगैरह लगी हुई रहेगी, बहुत सारे लोग लगे हुए रहेंगे, ढोल नगाड़ा बज रहा, यानी कि कोई आ रहा है, कोई खास व्यक्ति आ रहे हैं आई थिंक। देखिए बाहर में ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, और ड्रेसअप में सारे लोग आपको नज़र मिलेंगे। पूरा जानकारी था कि कैसे आप आएंगे रांची एयरपोर्ट, और रांची एयरपोर्ट में आने के बाद क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वच्छ रखा गया पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से अगर एक एक चीज़ को अगर आप देखें ना, देखिए कितना स्वच्छ रखा गया, पूरा क्लीन एंड क्लियर मिलेगा। और बहुत ही बड़े एयरपोर्ट है यहाँ के, हालाँकि अभी टर्मिनल एक ही है लेकिन धीरे धीरे और भी बनेंगे, लेकिन जो रांची है झारखंड का आन शान कह सकते हैं एयरपोर्ट में से, तो वो है रांची का एयरपोर्ट जो कि पूरी तरीके से 5 में 5 नंबर आप दे सकते हैं। देखिए क्लीनिंग कितना सुंदर है, क्वालिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन है, चाहे वॉशरूम का हो या फिर किसी भी चीज़ का, वॉशरूम भी जगह जगह पे अवेलेबल है। ये बैठने का है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं आराम से, उधर जो है शिशु केयर भी बनाया गया जहाँ पे आप बेबी वगैरह तो उनके लिए बेबी केयर भी बनाया गया। तो ये पूरा जानकारी था कि जब कभी भी आप पहली बार आ रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, आपका टिकट जो है वो लेके आप आइए अंदर, अंदर आने के बाद फिर आप जो है टिकट दिखा के आप अंदर आते हैं, उसके बाद फिर अंदर आइएगा। यहाँ पे सामने अलग अलग काउंटर मिलेंगे, जिस काउंटर में आपकी फ़्लाइट है उस काउंटर में जाइए, वहाँ पे बोर्डिंग पास आप ले लीजिए, और फिर आपका गेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। 1 और 2 गेट नीचे फ्लोर पर ही है, जस्ट बगल में दिख जाएगा, और अगर आपका 3, 4, 5, 6 गेट नंबर आता है तो 2nd फ्लोर में आपको आना पड़ेगा, और यहाँ पर गेट नंबर में जाके और फिर आपकी फ़्लाइट लगी हुई रहेगी टाइमिंग के हिसाब से, उस टाइम में आज जाके आप फ़्लाइट में ले सकते हैं। और ये जो आपको पहुंचना है तो 1 से 1.5 घंटा पहले आप पहुंचिएगा एयरपोर्ट, जब भी आपकी फ़्लाइटें हो, ज़्यादा देर पहले पहुंचिएगा तो ऐसे ही बैठे रहिएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा।
तो बाकी सारी चीज़ें यही है, डोमेस्टिक डिपार्चर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, एरो के माध्यम से जगह जगह बताया जाता है, और ट्रॉली वगैरह वहाँ चेक इन हो जाएगा, देन फिर आप वहाँ पे लाइएगा, वहाँ ट्रॉली दे दीजिएगा, बेल्ट से बेल्ट लेयर पे चला जाएगा और फिर वो फ्लाइट में डिपोर्ट हो जाएगा। साथ साथ में जब कभी भी आप आते हैं तो आपका बेल्ट लेयर जो है उसी तरीके से बना हुआ रहता है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, पूरी यात्रा देखिएगा हमारे चैनल में मिलेगा फ्लाइट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।